Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Once again, मैं सैयद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आपके बिजनेस मेल्स को जी सूट के ऊपर माइग्रेट करें. हाउ टू माइग्रेट योर ईमेल्स फ्रॉम बिजनेस मेल्स टू जी मेल जी सूट. सो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं. हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक हम ई मेल आई डी, नेम सर हॉस्ट नेम और उसके पासवर्ड की. यहाँ पर जो केस स्टडी है, यहाँ पे जो मेरा सिचुएशंस है वो ऐसा है कि बिजनेस मेल्स जो है वो सी पैनल के थ्रू नॉर्मल वेबसाइट पर चल रहे हैं. इसको मैं माइग्रेट करूँगा जी सूट पर. जी सूट पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है. और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि जो एग्जिस्टिंग मेल्स हैं वो किस तरह से आपके जी सूट पर आ जाए, आपके जी मेल पर वो एग्जिस्टिंग ओल्ड मेल आपके आ जाए. तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो. सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जी सूट का मेरा फर्स्ट पेज है जहाँ पर मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है ऑलरेडी. वेरीफाई डोमेन मुझे अभी कराना बाकी है, तो सबसे पहले हम डोमेन को वेरीफाई करा लेते हैं. वो भी आप देख लीजिए किस तरह से कराते बिफोर यू विंग. तो हमें पहले वेरीफाई कराना रहता है डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू या कोई टेक्स्ट फाइल के थ्रू. मुझे जो रिकमेंडेड मेथड दिया है, मुझे यहाँ पर मेरा डोमेन प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली केस में मेरा अदर्स आएगा. मुझे ये एक सी नेम रिकॉर्ड, एक टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है इस नाम से, जिसका वैल्यू मैंने कॉपी किया हुआ है. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चलता हूँ सी पैनल की तरफ. ये इस डोमेन का सी पैनल है, सी पैनल का होम फेस इंटरफेस है. यहाँ पे मुझे डीएनएस टाइप करूँगा तो मुझे ये डीएनएस जोन एडिटर मिलेगा सी पैनल के अंदर. इस पे मुझे मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड टेक्स्ट रिकॉर्ड करना है. यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा है. ठीक, टेक्स्ट रिकॉर्ड को हम आगे से एडिट कर देते हैं. यहाँ पे हमारा डोमेन नेम हमें डालना है जो हमें वेरीफाई कराना है. और जो रिकॉर्ड टाइप है वो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा. और यहाँ पे मुझे ये दो ही रिकॉर्ड दे रहा है, सॉरी तीन रिकॉर्ड दे रहा है. मैं इधर टेक्स रिकॉर्ड का मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो लेट्स सी मुझे ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा. ठीक है, हम इसको अल्टरनेट मेथड पे देख लेते हैं दूसरा क्या मेथड दिया हुआ है. ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है. अगर आप अल्टरनेट मेथड पे जाएंगे तो अल्टरनेट मेथड भी आपको मिल जाएगा. यूजिंग ए एचटीएमएल, अपलोड ए एचटीएमएल फाइल. हमें ये एक फाइल डाउनलोड करना है यहाँ से. सेव किया और इस फाइल को हमें अपलोड करना है और देन वेरीफाई करना रहेगा. सो हम चलते हैं इसके फाइल मैनेजर में. पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल, यहाँ पर हमें एक फाइल अपलोड करना है जो कि हमारे डाउनलोड फोल्डर में गई होगी. ये देखिए फाइल अपलोड हो गई. यहाँ से जस्ट हम वापस से हमारे पेज पर आते हैं जहाँ पर हमें ये वेरीफाई करना है. ट्रैफिक लाइट्स, ये गूगल बूट्स है जो कभी कभी आता है और ये काफ़ी परेशान करता है.
ये वेरिफिकेशन वेरीफाई यस, गूगल ने हमारा डोमेन, जी सूट ने हमारा डोमेन वेरीफाई कर लिया है। अभी हम आते हैं हमारे माइग्रेशन प्रोसेस पे, जो हमारे एग्जिस्टिंग मेल्स हैं, जो पहले आप अगर सी पैनल या किसी और प्रोवाइडर के थ्रू चला रहे थे, अब उसको आप जी सूट पर अगर कन्वर्ट कर दिया है और जी सूट पर अगर आना है आपको, तो एग्जिस्टिंग मेल आप कैसे लेकर आएंगे। ये देखिए जी सूट का इंटरफेस है और यहाँ पर एक है डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको लिमिटेड ही मिलता है, सारे जी सूट में नहीं मिलता, जो लीजेंसी ऑप्शन है उसमें वो नहीं मिलता है। जी मेल माइग्रेशन सोर्स, माइग्रेशन सोर्स में देखिए पहला ऑप्शन आता है माइग्रेशन माइग्रेशन सोर्स, यहाँ पर आप टाइप करिए आई डोंट नो और अदर आई मैप सर्वर। कनेक्शन प्रोटोकॉल में ये आपको पूछेगा, वहाँ पर आपको आई मैप सेलेक्ट करना है एंड आई मैप सर्वर। तो इन केस में जो रहेगा रहेगा मेल डॉट होटल शिल्पा रेसिडेंसी डॉट सी ओ डॉट आई एन एंड देन इसके बाद कॉलन पोर्ट 11143। यहाँ पर अभी मुझे पूरा ईमेल आईडी देना है, सॉरी मैंने ये ईमेल आईडी निकाला हुआ है, और ईमेल आईडी के बाद ये उसका ऑटो जनरेटेड किया हुआ पासवर्ड है जो अभी मुझे चेंज करना रहेगा आगे वीडियो के बाद। इसको हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, कनेक्शन फेल, वी आर अनेबल टू कनेक्ट कि सर्वर प्लीज मेक द यू हैव एंटर द करेक्ट सर्वर एड्रेस। यहाँ पर जो है हम होस्ट नेम को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑटो सिलेक्ट देखिए ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पास्ट 1 ईयर के मेल, अगर आपको नए उससे ज़्यादा मेल चाहिए तो आप कस्टम डेट डाल सकते हैं। तो मेरे केस में ठीक है मैं कस्टम डेट डाल देता हूँ जो कि 2016, इसी को मैं एडिट कर देता हूँ। नहीं एडिट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड माइग्रेट एंड डिलीट, अगर आपको उस सर्वर से माइग्रेट करना है, माइग्रेट जंक ईमेल अगर आपने कभी जो सी पैनल में यूज कर रहे हैं डिलीट कर दिए हैं या जंक मेल में गए हैं या किसी भी आपने फोल्डर बनाया हुआ है उसको छोड़ना है, तो वो मेल को ये एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है हम यहाँ पर डिलीटेड मेल भी ले लेते हैं, जंक मेल भी ले लेते हैं, एक्सक्लूड फ्रॉम टॉप लेवल ये छोड़ देते हैं एंड सेलेक्ट यूजर का ऑप्शन अभी आ जाता है। सो आपको यहाँ पर ये येलो क्लिक बटन पर क्लिक करना है, माइग्रेट फ्रॉम सोर्स ईमेल एड्रेस। तो हमारा सोर्स ईमेल एड्रेस जो है वो इन्फो, सॉरी ये पासवर्ड है info@hotelshilparesidency.co.in, उसका पासवर्ड डाल दिया। और यहाँ पर जो यूज़र है जो हमने ईमेल आईडी ऑलरेडी जी सूट में क्रिएट किया है उसको क्लिक कर देते हैं सेलेक्ट करके। सो यहाँ पर देखिए ये माइग्रेशन स्टार्टेड हो चुका है, वी विल स्टार्ट माइग्रेशन द सिलेक्टेड यूजर्स इन फ्यू मिनट्स वाइल द माइग्रेशन इन प्रोसेस यू मे ऐड एडिशनल यूजर्स एट एनी टाइम। यानी आप ये विंडो को क्लोज कर सकते हैं, ये पेज
से आप दूसरे पेज पे भी जंप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो स्टेटस दिखाएगा, आपको ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप इनिशियलाइज हो रहा है अभी, आप उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं। अगर आपको पुश करना है आप पुश कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम ये 1 से 2 मिनट लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है, और दूसरा डिपेंडेंसी होती है कि आपके सर्वर पे डेटा कितना है, बट वो सर्वर पे डेटा टोटल माइग्रेशन के लिए कैलकुलेट होता है। यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजिंग होने के बाद वो कनेक्ट होना चाहिए और कुछ मेल फैच होना चाहिए, स्पीड काफ़ी अच्छा रहता है फैचिंग के लिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, आपको मेल्स माइग्रेशन में, ईमेल के ऊपर इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, ईमेल क्रिएशन, ईमेल फैच, जीमेल के थ्रू आप बिजनेस ईमेल्स कैसे क्रिएट करें, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आप ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर कैसे कर, अगर आपको बिजनेस में कोई भी ईमेल्स के रिलेटेड कोई क्यूरी है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। हाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जो है मेल्स फैचिंग स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर जो स्पीड मुझे मिल रही है वो काफ़ी स्लो है। आई थिंक देखिए 156 ईमेल्स फैच हुए हैं और 2115 मेल्स सर्वर पर हैं जो माइग्रेट होना है। आप इसको चाहिए तो आपका फैचिंग स्पीड जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट माइग्रेशन स्पीड पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 100 का दिखा रहा है, मैं लेट्स इसको 500 या 1000 कर देता हूँ। मैंने जो स्पीड है इसका बढ़ा दिया है, और अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, मैक्सिमम 2000 तक का आप स्पीड इस पे दे सकते हैं। होप्स ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पुश कर देता हूँ, और लेट्स सी, हम पुश करने से पहले हमारे जीमेल्स भी लॉगिन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जीमेल में वो मेल्स आ रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे रिसेंट डेट से वो स्टार्ट कर रहा है, ये हमारे फैच होकर आ गए ईमेल्स, ये रिसेंटली क्रिएट हुआ है, अभी टोटल 129 ईमेल हैं, और हमारा जो फैच किए हुए मेल्स है वो एटलीस्ट 174 है। मैं जीमेल को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेल्स किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे अकाउंट में अभी 138 हुए हैं, 140, सो ये ऑटोमेटिकली मेल्स हमारे फैच होकर जीमेल पर आ रहा है। जितना भी हमारा डेटा हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर पर रहेगा, ये पूरा ईमेल्स डेटा हमारा माइग्रेट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये इनका ऑटो रिफ्रेश नहीं है, आपको बार बार रिफ्रेश करके देखते रहना रहेगा, एंड वंस जब ये 100% हो जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।